एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो, उसका टॉपिक है कर्मास, बैड कर्मास एंड इनर यूनियन। सो इनर यूनियन के बारे में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि जब अंदर मिलन होगा तभी बाहर की पॉसिबिलिटी होगी, तभी हम सोल पर्पस को भी जो है फुल फ्लेजन कर पाएंगे, उस कार्य को कर पाएंगे जो परमात्मा हमसे करवाना चाहते हैं, है ना। परमात्मा भी अपने को चुनते हैं कि कौन है जो इस अर्थ पे इस कार्य को कर सकता है, है ना। तो अपने बंदों को चुनते हैं, भगवान खुद डायरेक्टली नहीं आते हैं कभी भी किसी के पास, है ना। जब हम भगवान से मदद मांगते हैं तो परमात्मा खुद नहीं आते, वो अपने बंदों को भेजते हैं, अपने पर्सन जिनको उन्होंने चुना है कार्यों के लिए उनको भेजते हैं। और वो लोग भी जो इस कार्य पर बैठे हैं वो ऐसे ही नहीं बैठे। दुनिया में हम जितने भी अच्छे लोगों को देखते हैं जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बैठे। एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से वो अपने जीवन में गुजरे हैं, उसके बाद वो उस कार्य पर बैठे हैं जिस पे उनको परमात्मा रखना चाहते थे, है ना। तो हर कोई चाहता है कि मेरा इनर यूनियन हो, और हर कोई चाहता है कि मैं भी जो वो कार्य करूं जो परमात्मा मतलब ने कहीं ना कहीं जो है जो सोल पर्पस है मेरे अंदर का, है ना। परंतु वो पॉसिबल होगा कैसे? कोई भी व्यक्ति जो इनर यूनियन करना चाहता है वो पॉसिबल होगा कैसे? वो पॉसिबल होगा जब बैड कर्म रिलीज़ होंगे, बुरे कर्म रिलीज़ होंगे। पूरे कर्म आ कहाँ से रहे हैं? वो पूर्व जन्मों से आ रहे हैं, इस जन्म के भी हैं, ठीक है। तो जब वो बैड कर्म रिलीज होंगे तब इनर यूनियन पॉसिबल हो सकता है, तब हमारे अंदर से वो सारी नेगेटिव लेयर्स निकलेंगी और तब जो है माता शक्ति हमारे अंदर शिव तक पहुँचेंगी और तब उनका मिलन होगा। तो जितने भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं रीयूनियन बाहर से, उनका पहले इनर यूनियन अंदर से होना चाहिए और इनर यूनियन के लिए बैड कर्म का रिलीज होना चाहिए, होना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले तो जानना है कि कहाँ कहाँ पे आपका बैड कर्मा जो है कनेक्टेड है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी चार्ट आप ज़रूर देखें या दिखाएं, ठीक है। मैं तो आजकल वो कल अनाउंसमेंट भी करी थी तो काफ़ी सारे लोग चेक करा भी रहे हैं। तो चेक करें कि कहाँ कहाँ से आपका बैड कर्मा जो है कनेक्टेड है। जुपिटर जो है कुंडलिनी में वो भाग्य का कारक होता है, फॉर्चून का कारक होता है, पति का, गुरु का, बेटे का, एक्सपेंशन का, हैप्पीनेस का, पॉजिटिविटी का कारक है, ब्लेसिंग प्लैनेट है इसको। वीनस जो है भौतिक सुखों का, लग्जरी का, लेविश लाइफ का, प्रेम संबंधों का, मैरिड लाइफ का प्लैनेट है। ये दोनों प्लैनेट ब्लेसिंग प्लैनेट्स हैं। ज़्यादातर लोग जो इस जर्नी में दुखी हैं, मैंने देखा उनके यही प्लैनेट जो हैं खराब हैं। पास्ट लाइफ से वो कुछ ना कुछ बैड कर्मा लेके आ रहे हैं इस लाइफ टाइम में। अब अध्यात्म जर्नी में क्या होता है, भगवान उठा के जीरो पे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि फिर से उठ के दिखाओ, अब नीचे से ऊपर। अब तुम ऊपर तब उठोगे जब तुम अपने बैड कर्मा को रिलीज करोगे। अब जो व्यक्ति जो है धीरे धीरे रियलाइजेशन करता है इस बात की, सेल्फ रियलाइजेशन में आता है, वो रियलाइज करता है कि हाँ मेरे बैड कर्म थे, मेरे कुछ कर्म हैं ऐसे जिसकी वजह से मैं इस तरीके से इस सिचुएशंस में रहा, इस डार्कनेस में रहा, या मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो व्यक्ति शांत होकर जो है खुद पे काम करता रहता है। और धीरे धीरे जब वो ऊपर उठता है तो न जाने कितने बैड पूर्व जन्मों के, इस जन्म के कर्मों को रिलीज कर देता है और फिर जो है उस पूरा डिवाइन ब्लेसिंग को एक्सपीरियंस करता है, इनर बैलेंस को भी एक्सपीरियंस करता है और भौतिक सुखों से भर जाता है, सब कुछ आ जाता है उसके पास। परंतु इसके विपरीत जब भगवान किसी को ऊपर से नीचे फेंकते हैं जीरो पे, और उस टाइम पीरियड में वो व्यक्ति जो है जुड़ ही नहीं पा रहा अपने अंदर से, समझ ही नहीं पा रहा कि क्या परेशानी है, क्या कारण है इन सब चीज़ों को, और अगर कोई समझा भी रहा है तब भी वो समझ नहीं रहा है, बल्कि इल्यूजन और भ्रम में फंस रहा है, तब वो मतलब रेस्ट ऑफ लाइफ भी जो है बस इसी दुख और पीड़ा में ही भरा रहता है, ठीक है। परंतु अगर वो व्यक्ति थोड़ा सा भी आध्यात्मिक होने लगा है तो वो धीरे धीरे कर्मों के ज्ञान को समझता है, वो समझता है कि मेरे ही पूर्व जन्म के, इस जन्म के कोई कर्म है जिसकी वजह से मैंने ये भोगा, झेला, पर अब जो है मैं अपने आप को उठाऊंगा, अपने आप से कनेक्ट रहूंगा, अपने आप पर हर लेवल पर काम करूंगा, परमात्मा से कनेक्ट रहूंगा, परमात्मा को सरेंडर करूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं लगाऊंगा किसी भी प्रकार का। और वो जब अच्छे से अपने ऊपर काम करता है तो भगवान उसे मौका देते हैं, उसे हाथ देते हैं, ऊपर उठाते हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर उठता है उसके बहुत से बैड कर्म रिलीज हो जाते हैं। मैंने कल बहुत चार्ट देखे, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट निकल के आया, एक लड़का जिसका कि ऑलरेडी अपने
मतलब ट्विन फ्लेम के साथ शादी भी हुई है अभी 6 महीने पहले, सिर्फ एक लड़की का निकल आया, उसके बहुत से बैड कर्म थे पास्ट लाइफ के, बट इस आध्यात्मिक जर्नी में उसने कुछ ऐसे कार्य करे जिसकी वजह से उसका इनर यूनियन हुआ, मतलब री यूनियन बाहर से भी हुआ है और इनर यूनियन उसका ऑलरेडी हो रहा है, ऑलरेडी वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ है भी इस वक्त। तो कुछ ना कुछ इस लड़की ने बहुत ज़बरदस्त काम किया होगा जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं वो उस रीयूनियन को भी मतलब हो पाया उसके जीवन में। और जो मैंने उसका सेकंड फेस ऑफ लाइफ देखा, जो उसका D9 चार्ट देखा, वहाँ भी मैंने देखा कि बहुत ब्यूटीफुल है प्लैनेट्स की। सो बहुत सारे लोग होते हैं इस जर्नी में, बट बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इन ईगोस के ऊपर काम कर पाते हैं, अपने मैस्कुलाइन साइड के ऊपर काम कर पाते हैं, अपनी फेमिनाइन साइड के ऊपर काम कर पाते हैं, अपनी ओवर डिज़ायर, ओवर एक्सपेक्टेशन, अपने अंदर के अहंकार के ऊपर काम कर पाते हैं। ठीक है ना, अज्ञानता में और अहंकार में बहुत से बैड कर्म बन जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कि इनर यूनियन कब होता है, जब बैड कर्मा रिलीज होता है। ओके, आध्यात्मिक जर्नी में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने अंदर के पुरुष और स्त्री दोनों साइड पे काम करो, अपने अंदर की ईगोस को रिलीज करो, अपने एक्शन साइड पे काम करो, अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड करो। ठीक है, और दूसरा जो भी चीज़ें आपके ऊपर हावी होती हैं आपकी फेमिनाइन साइड से, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करो, है ना। और अगर आप रिलीज़ कर पाते हो तो डिवाइन ब्लेसिंग आपकी तरफ फ्लो होनी शुरू होती है, जो चीज़ें बंद थी आपके जीवन में वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं और परमात्मा पे आपका विश्वास और बढ़ने लगता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस जर्नी में शॉर्टकट लगाने पे लगा हुआ है, अच्छा मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं मिल रही, मैं कुछ इस तरीके से जुगाड़ इस तरीके का लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करती हूँ, गलत गलत काम कर रही होती है या कर रहा होता है, वो अपने आने वाले जीवन के लिए, आगे आने वाले जन्मों के लिए बहुत सा नया कर्म क्रिएट कर रही है या क्रिएट कर रहा है। सो इस जर्नी में और कुछ बड़ा बड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि सरेंडर टू गॉड, परमात्मा में विश्वास, और हर अपनी बुरी चीज़ को पहचानना है। सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है ना ये, हर अपनी बुरी चीज़ को पहचान के उसको, उस पर काम करके उसको निकालना है अपने से। ध्यान योग आपको बहुत मदद करता है, गुरुओं की गाइडेंस आपको बहुत मदद करती है। तो बस अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो बेसिकली वो इनर यूनियन अपने अंदर करने की तैयारी में है। ठीक है ना, और फिर बाहर की जितनी भी चीज़ें आप चाहते हो वो तो ऑटोमेटिक ही होने लग जाती हैं, अपने आप ही होने लग जाती हैं। ठीक है, तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।